स्वच्छादिरुद्यम शुक परिविलसन मौलिमं भोजनेत्रम कालांबोदोज्वलांगं कटितट विलसत चारुपीतांबराढ्यं वंदे निखिल गदमिव प्रौढदावाग्नि नीलम्। प्रणाम सभी लोगों को, मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग बात रखते हैं गाउटी आर्थराइटिस, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी के सभी भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं और सभी श्रेष्ठ चिकित्सक लोगों के पास वातरक्त के पेशेंट जरूर आते हैं, तो हम इसी पे चर्चा करेंगे। अलग अलग अनुभविक योगों के बारे में अच्छे से विस्तार से डिस्कस करेंगे। किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हमारा जो अनुभव जन्य ज्ञान जो है उसे स्मृति बनती है, वो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी लोग म्यूट करिए, खासकर अजय जी, आपका आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, मैं म्यूट कर दिया हूं। तो ना आप सब लोग मेरा बात पहले सुनिए, उसके बाद में आप लोग भी अपना अपना अनुभव यहाँ पर शेयर करिएगा। मैंने यहाँ पे कुछ लोगों को होस्ट बना दिया है और अभी मैं अपनी बात खत्म करूंगा, उसके बाद में आप लोग अपना अपना बात बताइएगा। तो जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये वृद्ध वैद्य लोगों के अनुभव है कि हमारे पास पेशेंट आए जिनको ये था वातरक्त का संप्राप्ति था, तो उनमें जो सिम्टम है वो देखे और बाद में हेतु देखे। सिम्टम में क्या था कि उभय हस्त अंगुली पाद अंगुली में शोथ, मतलब सभी हाथ के उसमें शोथ दिखाई दिया, स्वेलिंग दिखाई दिया। उभय हस्त पाद मणिबंध कुरपर जानू गुल्फ संधि इसमें तीव्र वेदना स्पर्शासहत्व, स्पर्शासहत्व मतलब टच करने पे भी पेशेंट चिल्लाते थे। फिर संधि निग्रह, मतलब हाथ की उंगलियां जो है ना वो मुड़ नहीं पा रही थी, हस्ति निग्रह है और इसकी वजह से कर्म हानि, और अपने शर्ट का बटन नहीं लगा सकते हैं, कुछ भी काम नहीं कर सकते उंगलियों के, इतना स्वेलिंग उनको दिखाई दे रहा था। जैसे आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे हैं सेम ऐसे ही सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे। उसी तरह से व्रण में कभी शोथ हो गया, वहां पे जो वातरक्त है व्रण उसमें क्षत हो गया, शोथ हो गया। फिर आरक्त वर्णीय वहां पे रैशेस आ गए, पूरा रेड कलर के रैशेस आ गए हस्त की उंगलियों में, पाद उंगलियों में और हस्त पाद में, हस्त और पाद में ज्यादा है, उनके जो ज्वाइंट्स है ना फेलेंजेस और टार्सल्स जो ज्वाइंट्स है वहां पे वो ज्यादा ऐसा दिखाई दे रहा था। और तीव्र स्वरूप का दाह, दाह जो है ये वातरक्त का टिपिकल सिम्टम होता है। फिर स्पर्शाग्यत्व था, मतलब कान नाक हस्तांगुली में, वहां कान में भी स्पर्श नहीं करने को हो रहा था। फिर अंगमर्द हो रहा था, स्थूलता थी, फौल्यता बहुत ज्यादा थी, सुधा अल्पता भूख कम लगना, निद्रा अल्पता नींद भी कम आना, स्वेद अति प्रवृत्ति और बार बार मूत्र प्रवृत्ति ऐसे हो रहा था। और नाड़ी 90 पर मिनट था, बाकी बीपी वगैरह सब नॉर्मल था, इसमें कोई ऐसा स्पेशल कुछ नहीं था। तो यह ना वर्षा ऋतु में इसका शुरुआत हुआ, और शोथ उष्ण स्पर्श रक्तवर्णीय जो ये रहते हैं रैशेज टाइप चट्टे चट्टे वो शुरुआत हो गई। सबसे पहले पाद की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में, फिर छोटे छोटे सारे ज्वाइंट्स में ये शुरू हो गए, बाद में बड़ी बड़ी संधियों में जाने लगा। तो इसके लिए एलोपैथी का ट्रीटमेंट लिया गया, तो उनको स्टेरॉइड्स और एनाल्जेसिक जैसी दवाइयां दिया गया। तो एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर जो रहता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जैसे कि वोवेरॉन,
फिर पैरासीटामल, कॉम्बिफ्लेम, ऐसे दवाइयां दिया गया तो उनको, पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिला। इनका सीरम पूरा पैथोलॉजिकल टेस्ट कराया गया तो Hb 12 ग्राम था, ब्लड शुगर ठीक था और RA टेस्ट नेगेटिव था, और स्मियर टेस्ट AFB जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया गया वो नॉर्मल था। सीरम यूरिक एसिड 9.7 mg था, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था। और इनका हेतु क्या मिला कि कंटिन्यू पानी में और धूप में काम, संक्रमण करने का काम, मतलब घूमने का काम, और दूसरा क्या है कि खाने में चटनी का सेवन कंटिन्यू बहुत ज्यादा, अचार का सेवन ज्यादा करना, मसालेदार पदार्थ बहुत ज्यादा मसाला खाते थे, और उड़द का दाल खाने की आदत थी। उड़द का दाल जो रहता है अभिसंधि होता है और वो रक्त की तुष्टि करता है। फिर मांसाहार का सेवन, उसमें भी गरम मसाले डाल के नॉनवेज खाने की आदत, दही का सेवन, फिर बासी खाना खाना, परिष्कृत अन्न का सेवन, उपवास करना, तंबाकू और चाय का सेवन अति मात्रा में करना। पूर्व रूपावस्था में देखा तो स्वेदाधिक्य से शुरुआत हुआ, स्पर्शाग्रत्व होने लगा, मतलब पसीना ज्यादा आने लगा हाथ पैरों में, और उनको कोई भी स्पर्शासत्व और स्वेलिंग आने लगा, हस्त अंगुली, पाद अंगुली, और जो अपना नी ज्वाइंट है, जानु संधि, वहां पे पिंडकोदगम होने लगा। पिंडकोदगम मतलब नस पे नस चढ़ने लगा, वेदना होने लगा, शोथ होने लगा और अंगमर्द होने लगा। और यह उपशय अनुपशय से भी इन्होंने रिसर्च किया पेशेंट में क्या हो रहा है। तो वातरक के पेशेंट थे तो उनको क्या हो रहा था कि धूप में जाने के बाद यह जलन और स्वेलिंग पेन कम कम होने की वजह से बढ़ रहा था। मतलब हम लोग नॉर्मली संधिवात में देखते हैं, आमवात में देखते हैं कि धूप में जाने के बाद अच्छा लगता है, लेकिन ये वातरक का डायग्नोसिस के लिए उपशय अनुपशय देखा तो धूप में जाने के बाद ये बढ़ जा रहा था, तो इसका मतलब ये वातरक्त ही था। और कटु सेवन करने के बाद या नॉनवेज खाने के बाद, मांसाहार का सेवन करने के बाद ये लक्षण बढ़ जाते थे, तो कंफर्म हो गया कि यह वातरक्त ही है, गाउटी आर्थराइटिस ही है। इसकी संप्राप्ति से पता चला कि संक्रमण, चलने का काम ज्यादा था, उपवास बहुत ज्यादा करने का काम था, और वात प्रकोप बहुत ज्यादा हो रहा था, और चटनी, अचार, दही, ऐसे विदाही जो पदार्थ है जो रक्त दुष्टि का है, तो एक साइड से संक्रमण, उपवास और ये सब वात प्रकोप का आहार विहार थे, और दूसरी साइड से चटनी, अचार, दही, इन सब का सेवन की रक्त की दुष्टि बढ़ रही थी। इस तरह से वायु और रक्त दोनों की दुष्टि शुरू हुई और एक दूसरे का आवरण शुरू हुआ, और यह शरीर में सिराओं में जाके संचार करने लगा, संधि के स्थानों में जाके, छोटी छोटी संधियों में जाके स्थान संशय करने लगा, फिर शोथ होने लगा, उष्ण स्पर्श, कोई भी डॉक्टर ऐसे या कोई भी छुएगा ना उनके स्वेलिंग में तो गर्म ऐसे लगता था, और आरक्त वर्णता मतलब वहां पे रेडनेस आ रही थी, और स्पर्शासहत्व, स्पर्श करने से बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। और व्याधि विनिश्चय ऐसे हुआ कि गंभीर और उत्तान दोनों स्वरूप का यह उभयाश्रित वातरक्त है, ऐसा पता चला। तो चिकित्सा क्या करना है, तो ऐसा सोचा गया कि चिकित्सा में कैशोर गुग्गुल जो है, जिसमें गुडुची है, वो तीन तीन गोली सुबह शाम दिया गया कोष्ण जल के साथ। गुडुची का चूर्ण 500 मिलीग्राम 3 बार दिया गया। एरंड तेल 5 ml रात में गोदुग्ध के साथ, गाय के दूध के साथ एरंड तेल 5 ml दिया गया। फिर लघु सुरक्षेकर रस 500 मिलीग्राम 3 बार दिया गया। लघु मंजिष्टादि क्वाथ 20 ml 2 बार दिया गया। फिर नवकार्षिक कषाय है, ये क्या क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, तो ये 5 ग्राम को काढ़ा बना के और सुबह शाम देने के लिए दिया गया, नवकार्षिक कषाय। फिर चंद्र प्रभावटी दिया गया 500 मिलीग्राम खाने के पहले, दो दो गोली सुबह शाम। इसके बाद में देखा गया तो पेशेंट को रिलीफ मिलने लगा, तो फिर गुड़ुची का जो चूर्ण है और एरंड तेल ये बंद कर दिया और बाकी ट्रीटमेंट देते रहे, क्योंकि एरंड तेल का अब जरूरत नहीं था, पेट साफ होने लगा उनका, गुड़ुची चूर्ण हटा के वो सब कंटिन्यू देते गए। फिर ऐसा प्लान किया गया कि अब हम शोधन चिकित्सा करेंगे, शमन से तो उपशम मिल रहा है लेकिन पूरा शरीर का शुद्धि होना चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए, तो विरेचन के लिए उनको 3 दिन तक महा तिक्तघृत का 500 ग्राम तक इतना स्नेह पान कराया गया। फिर 3 दिन स्नेह पान करा के 1 दिन विश्राम कल दिया गया, और फिर 5वें दिन उनको एरंड तेल 20 ml, हरितकी का क्वाथ, मतलब हरितकी का क्वाथ 25 ml देकर रात को दे दिया गया, तो इनको 7 से 8 बार मल प्रवृत्ति हुई। तो उसके बाद जब विरेचन हुआ तो 2 दिन के बाद उनका जो दाह था, बर्निंग था, पित्त निकलने की वजह से उनको, पेशेंट को उपशम मिलने लगा।
उसके बाद में मैं फिर से बताऊंगा, मैं अभी आशा मैम आप रुक जाइए, पहले मैं अभी पहले जो स्पीड में बोल रहा हूँ ना वो पहले सुनिए, बाद में मैं फिर बताता हूँ। फिर उसके बाद में जब विरेचन हो गया, पित्त निकल गया वातरक्त के पेशेंट को, फिर बस्ती का उपक्रम करने का सोचा गया, तो दशमूल तेल का मात्रा बस्ती वो भी 50 ml की मात्रा में ये दिया गया। इसके बाद में ऐसा देखा गया कि मात्रा बस्ती देने से, क्योंकि अभी पूरी तरह से स्रोतोरोध दूर नहीं हुआ था, तो उनको फिर क्या किया गया कि मतलब जो वैद्य थे उन्होंने सस्नेह निरूप बस्ती दिया, क्योंकि जब तेल का बस्ती दिया गया तो उनके लक्षण बढ़ गए, स्वेलिंग बढ़ गया, क्योंकि विरेचन से भी पित्त नहीं निकला था, आम दोष का पचन अच्छे से नहीं हुआ था, तो अब ऐसा सोचा गया कि सस्नेह निरूप बस्ती देंगे, तो दशमूल काढ़े में तिल तेल डाल के फिर 7 दिन तक 6 दिन तक सस्नेह निरूप बस्ती दिया गया। 8वें दिन फिर अनुवासन बस्ती दिया गया। बस्ती चिकित्सा के बाद जब इस तरह से निरू दे के सस ने निरू दिया गया, 8वें दिन फिर अनुवासन बस्ती दिया गया, तो पेशेंट का शूल जो है वो कंट्रोल में आ गया, दाह जो था वो था अभी थोड़ा था, तो उसमें रक्त मोक्षण का विचार किया गया, तो सिरा वेद से 60 ml तक रक्त निकाला गया। उसके पहले सिरा वेद करना है, रक्त मोक्षण करना है वातरक्त के पेशेंट को, तो 3 दिन तक स्नेह पान दिया गया, वो भी महातिक्तघृत का 10 10 ml तक स्नेह पान कराया गया। जब रक्त मोक्षण कराया गया तो पेशेंट का एकदम दाह ठीक हो गया, और बस्ती से तो पेन भी कम हो गया था, स्वेलिंग भी कम हो गया था। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद क्या किया गया कि स्नेह पान करके जलौका व चारण किया गया। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ इसका PDF आप लोगों को दूंगा, हम लोग किताबों में तो पढ़ते हैं सैद्धांतिक भाग, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल चीज है कि आपको किस कितने दिन के बाद क्या करना चाहिए, अनुक्षय मिला तो क्या करना चाहिए। तो सिरा वेद करने के बाद फिर जलौका व चारण किया गया कुछ दिन बाद। उसके बाद में पेशेंट को इतना रिलीफ मिला, इतना रिलीफ मिला कि पेशेंट को नींद अच्छी आने लगी, स्वेलिंग कम हो गया, क्योंकि दूषित रक्त निकाल दिया गया है, यहाँ पे वायु का शमन कर दिया गया है, निरु सस ने निरु देके, और फिर दवाइयों में कितना बढ़िया बढ़िया दिया गया, देखिए इसमें कैशोर गुगुल दिया गया है, गुडुची का चूर्ण दिया गया है, लघु चूर्णशेखर रस दिया है, लघु मंजिष्ठादि क्वाथ दिया है, नवकार्षिक कषाय दिया गया है, चंद्र प्रभावती दिया है। उसके बाद में जलौका व चारण फिर सोचा गया कि फिर करते हैं, जहां जहां वातरक का व्रण है तो प्रत्येक बार 6 जलौका ऐसे लगाएंगे जहां पर व्रण है। तो जैसे ही जलौका ने अशुद्ध रक्त खींचना शुरू किया तो पेशेंट का जो संधि निग्रह था, मतलब उंगलियां जो मुड़ती नहीं थी वो मुड़ने लगी, और वेदना के साथ में सभी लक्षणों में उपशम मिलने लगा, शमन चिकित्सा कंटिन्यू रखा गया। फिर उसके बाद में कुछ पेशेंट ने अपथ्य किया 1 महीने बाद, तो पेशेंट के उंगलियों में व्रण हो गया, दाह हो गया, संधिग्रह ऐसा सिम्टम आने लगा। फिर पेशेंट को 4 दिन तक दशमूल काढ़े का सस्नेह निरू बस्ती दिया गया, और 1 दिन रोक के फिर 6 जलौका फिर लगाया गया, प्रत्येक बार 4 जलौका लगाया गया। फिर औषधि की मात्रा थोड़ा कम किया गया। उसके बाद में धीरे 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 2 3 महीने के बाद वासावले कंटिन्यू दिया गया वातरक्त के पेशेंट को। तो इस सब से ये पता चला कि जब हम व्यवच्छेद निदान करते हैं ना, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो कभी कभी हमें कुष्ठ रोग और वातरक्त ये दोनों व्याधियां आंखों के सामने आती हैं, तब हमें कुष्ठ का कभी कभी होता है, क्योंकि स्पर्शज्ञत्व होता है, स्पर्श सहत्व रहता है, अतिस्वेद होता है, वावरण होता है, व्रण होता है, और शूल दाह होता है, तो कभी कभी कुष्ठ रोग के पूर्व रूप के ऐसे सिम्टम आने लगते हैं, हमें फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फिर और सिम्टम देखते हैं कि धूप में जाने के बाद बढ़ रहा है वो, और वायु का प्रकोप, वात प्रकोप आहार विहार से, मसालेदार मसालेदार ये नॉनवेज मांसाहार खाने से बढ़ रहा है, तो फिर पता चला कि ये वातरक्त है, कुष्ठ रोग नहीं है। फिर उसके बाद में ये शुरुआत जो होती है वातरक्त की वो पैरों के पादा अंगुष्ठ से होती है, जो ग्रेटर टो होता है ना पैरों का, वहां से शुरुआत होती है, और बारिश में, वर्षा ऋतु में और शरद ऋतु में यह ज्यादा उत्पत्ति हो जाती है, और सीरम यूरिक एसिड जो है वह बढ़ा हुआ, यह टिपिकल डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हेल्प करता है। उसके बाद में बाकी कुष्ट के लिए जो स्मियर टेस्ट नेगेटिव आया तो ऐसे कंफर्म हो गया कि नहीं, अब ये तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब हम इसको बोले कि यह कुष्ठ रोग है या स्किन का प्रॉब्लम है, यह वातरक्त या यूरिक एसिड पॉजिटिव है, RA फैक्टर नेगेटिव था,
तो ये आम बात भी नहीं है, ये 100% वात्रक्त का ही शुरुआत है। और पैरों की उंगलियों से शुरू हुआ, अंगुष्ट मूल जो रहता है पादांगुष्ट मूल, उससे शुरुआत हुआ तो कंफर्म हो गया। आपके पास भी ऐसे पेशेंट आते होंगे तो कहाँ से शुरुआत हो रहा है, कब शुरुआत हो रहा है, उससे पता चलता है। इसी तरह से आमवात में देखा गया तो संचारी वेदना नहीं थी। आमवात में कैसे होता है, एक ज्वाइंट बड़े बड़े ज्वाइंट से शुरू होता है और एक दिन एक में होता है, दूसरे दिन दूसरे होता है, संचारी वेदना होती है, वृश्चिक वेदना होती है। लेकिन इसमें चूहे काटने की तरह मूषिक दंश वेदना थी और ये संचार नहीं कर रहा था, एक जगह है तो है। उसी तरह से फिरंग रूप दंश का कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कोई सिम्टम्स नहीं थे, मतलब सिफिलिस गोनोरिया नहीं था, कुरुष्ठ शीर्षक जैसा नहीं था, रक्त पित्त नहीं था, तो 100% हो गया कि और कोई व्याधि नहीं है, ये बात रखती है। इसमें जब देखा गया कैश्योर गूगल क्यों दिया गया है, कैश्योर गूगल के बारे में योग रत्नाकर में इतना बढ़िया बताया बात रोग का अधिकार में कि जेत सर्वाणी कुष्ठानी बात रक्तम च विशेषता, बात रक्त स्पेशली उल्लेख किया गया है। तो कैश्योर गूगल में सारे द्रव्य जो हैं, जैसे कि गुड़ुची है, त्रिफला है, ये वात शामक है, रक्त का प्रसादन करते हैं, मतलब अच्छा रक्त का, मतलब अच्छा रक्त का क्वालिटी वाला रक्त बनाते हैं। और निशोत्तर है, दंती है, ये सौम्य रेचक है, इसलिए कैश्योर गुग्गुल का प्रयोग वात रक्त में सबसे बेस्ट रहता है। उसी तरह से गुड़ुची का चूर्ण देखा गया क्यों दिया गया, तो गुड़ुची कटुका तिक्ता स्वादुपाकर रसायनी संग्रहणी कषायोष्णा लघ्वी बल्याग्नि दीपनी दोष त्रयामत्रिदाह मेह कोष्ठांश पांडुताम कामला कुष्ठ वातांसर ज्वर कृमि वमिन हरित। तो यह जो गुड़ुची है यह एक ऐसा द्रव्य है जो रसायन भी है, वात शामक भी है, रक्त की भी शुद्धि करता है। गुड़ुची जो है इसको अमृता कहा गया है, यह सभी धातुओं का पोषण करता है और यह स्निग्ध गुण होने की वजह से और इसका विशेष तिक्त रस होने की वजह से यह मज्जा धातु तक, जहां धातु दुष्टि हो जाती है वात रक्त में, वहां तक इसका बढ़िया काम होता है। इसी तरह से ऐसा बोला है कि कामला कुष्ठ वातास्त्र ज्वर कृमि वमिन हरे, मतलब ये कुष्ठ में भी वातास्त्र मतलब वात रक्त की खास दवाई बताई गई है, तो और कृमि में भी काम करता है, मतलब इतना बढ़िया गुड़ुची जैसा तो वात रक्त की कोई और दवाई है ही नहीं। उसके बाद में गोदुग्ध के साथ में एरंड तेल दिया गया, तो दोष बाहुल्यता इतनी ज्यादा थी कि मतलब स्त्रोतोरोध इतना ज्यादा था कि वात रक्त में विरेचन देना था, लेकिन हमें यहाँ पे वायु का प्रकोप भी न हो, पित्त का भी प्रकोप न हो, तो इसके लिए ही दूध के साथ एरंड तेल डाल के दिया गया। और ये चरकाचार्य जी ने बोला है, क्षीरेण एरंड तेलेन वा प्रयोगेन पिबेन नरः बहु दोषो विरेकार्थम जीर्णे शिरोदन शिरोदनाशमन, मतलब जब हम दूध के साथ एरंड तेल पीते हैं तो ये बहुत सारे दोषों को विरेचन से निकाल देता है, सारा आवरण जन्य संप्राप्ति को ठीक करना है, जहाँ पे वायु ने रक्त को, रक्त ने वायु को आवृत करके रखा है और स्थान संचय करके बैठ गए, ऐसा दूषित रक्त है, वहां पे एरंड तेल को अगर हम दूध के साथ पीते हैं तो उससे श्रेष्ठ द्रव्य है ही नहीं। उसी तरह से लघु तो शेखर रस दिया गया, तो गैरिक और शुंठ वाला जो है, सोंठ का है चूर्ण और गैरिक है, और यहाँ पे तांबुल पत्र के रस की भावना है, मतलब जो पान का पत्ता के रस की भावना है, तो सबसे उत्कृष्ट पित्त शामक द्रव्य रक्त का प्रसादन करने का कार्य करता है, इसलिए लघु तुच्छ शेखर रस की योजना किया गया। उसके बाद में लघु मंजिष्ठादि क्वाथ और नवकार्षिक कषाय दिया गया, तो इनके लघु मंजिष्ठादि क्वाथ जो है वो शारंगधर संहिता में बताया है, और वह लघु मंजिष्ठादि है वो रक्त का शुद्धि करता है, वातरक्त में रक्त अशुद्ध हो जाता है और वह इतना ज्यादा गाढ़ा होता है कि वायु को रोक देता है, आवरण कर देता है, इसलिए लघु मंजिष्ठादि क्वाथ दिया गया। और नवकार्षिक कषाय नाम का जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वह चक्रपाणि दत्त ने, जिन्होंने आयुर्वेद दीपिका नाम का टीका लिखा है चरक संहिता में, उन्होंने एक और बुक लिखी है चक्रदत्त नाम की बुक लिखी है, तो उन्होंने नवकार्षिक कषाय वात रक्त रोगाधिकार में बताया है। इसके घटक द्रव्य हैं, इसमें मंजिष्ठा है, वचा है, गुड़ुची है, त्रिफला है, देवदार है, नीम है, कुटकी और हल्दी है। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ये इसका सारा पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग घबराइएगा मत, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसको सोचिए समझिए और इसका प्रयोग आप लोग अपने पेशेंट में करिए। जब भी वात रक्त के पेशेंट आते हैं, जिनका इतने पेशेंट आजकल आ रहे हैं ना, इतने बढ़ गए कि मतलब उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है, पायरुविक एसिड यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है, और उसका हेतु देखा जाए तो लोग ना सिगरेट स्मोकिंग दालों का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, पैर लटका के काम जो किया जा रहा है,
मैं खाना खाने के बाद थोड़ा भी विश्राम नहीं करना है, तुरंत बाइक से जाना है, पैर लटका के रखना है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सब हो रहा है। और नवकार्षिक कषाय जो है ना, वो सारे द्रव्य जैसे मंजिष्ठा, वचा, गुडुची, त्रिफला, देवदार, नीम, कुटकी, हल्दी, ये सब समान मात्रा में लेना है। और इसमें लघु मंजिष्ठादिक्वात और नवकार्षिक कषाय में ये थोड़ा डिफरेंस ये है कि नवकार्षिक कषाय में गुडुची और नीम त्वक जो है, नीम ये थोड़ा ज्यादा है, बाकी सारे द्रव्य तो सेम ही है लघु मंजिष्ठादि और नवकार्षिक में, गुडुची और नीम त्वक थोड़ा ज्यादा है। तो ये वैद्य लोगों ने दोनों चीज दिया साथ में। अगर रोगी बलवान है तो एक भी दे सकते हैं, अब ये रोगी का व्याधि ज्यादा था इसलिए दो औषधि दिया, लेकिन हम एक भी दे सकते हैं, या तो नवकार्षिक कषाय दें या लघु मंजिष्ठादिक्वात दें। चंद्र प्रभावटी इसलिए दिया गया क्योंकि कुछ कुछ पेशेंट का जो शोथ रहता है ना, वहां पे क्लेद बहुत ज्यादा रहता है, और ये पेशेंट जो थी ये लेडी थी, तो इनको मेनोपॉज का मतलब लेट होता था, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती थी, तो इसलिए नॉर्मल रजत प्रवृत्ति हो, 50 ईयर्स की है तो थोड़ा मेंसेस ठीक हो, इसलिए चंद्र प्रभा की योजना किया गया। और इसमें ये भी देखा गया कि प्रमेह जैसे लक्षण शुरुआत हो सकते हैं, इसलिए चंद्र प्रभावटी को प्रिवेंशन एंड क्योर के लिए दिया गया। और शोधन चिकित्सा में विरेचन क्यों दिया गया, क्योंकि वातरक्त की चिकित्सा में विरेचियम स्नेहित्वा आदो ऐसा कहा गया है, और विरेचन के पहले स्नेहपान के लिए महातिक्त अग्रि दिया गया, जो शोधन और शमन दोनों के लिए सर्वश्रेष्ठ है, वातरक्त को अगर ध्यान में रखा जाए तो। और फल श्रुति में अगर महातिक्त अग्रि के बारे में देखा जाए, श्लोक में क्लियरली बोला है महातिक्त अग्रि के बारे में कि विसर्पम अम्ल पित्तम वाताश्रिक पांडुत्वम च, मतलब ये वातरक्त के लिए सबसे बेस्ट दवाई है। और निघंटु रत्नाकर में ऐसे बोला है कि रक्त मोक्षण करने के पहले स्नेहपान करना जरूरी है, 3 दिन पहले, और वो भी महातिक्त घृत का स्नेहपान तो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसा बोला है निघंटु रत्नाकर में कि वात शोणी तनो रक्तम स्निग्धस्य बहुशो हरेत, मतलब जब वातरक्त में हम लोग स्निग्धता ला देते हैं शरीर में, तो ये वायु का प्रकोप नहीं होने देता है, और मतलब पेशेंट का रक्त मोक्षण करने के बाद कोई भी व्यापत नहीं होता है, क्योंकि हम एक तरह से धातु क्षय कर रहे हैं, वहां पे दूषित रक्त निकाल रहे हैं, रक्त निकाल रहे तो धातु क्षय होगा तो वायु का प्रकोप होगा, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 3 दिन तक स्नेहपान कराना जरूरी है। और स्नेहपान में महातिक्त घृत का स्नेहपान सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि वह शमन भी करता है, शोधन में भी उपयोगी रहता है। इसी तरह से अगर देखा, और फिर क्या है कि जलौका भी लगाया गया तो उससे तुरंत उपशम मिलता है, क्योंकि दूषित रक्त को निकाल देता है। उसी तरह से शिरावेद से भी आता है फायदा, लेकिन जलौका से अशुद्ध रक्त निकलता है। इस पर हम लोग और क्या क्या दे सकते हैं, तो लेप भी लगा सकते हैं, परिषेक कर सकते हैं, उत्सादन कर सकते हैं, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा अगर व्रण हो जाता है तो। जब वातरक्त के कारण व्रण होता है तो लेप लगाना, परिषेक और उत्सादन उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उत्तान और गंभीर दोनों स्वरूप का वातरक्त ये पेशेंट में था। उसी तरह से ग्रंथों में जो बताया वैसा ही ये दिख रहा था। उसी तरह से ये बोल रहे हैं कि वायु का आवरण बहुत ज्यादा होता है और रक्त ने आवरण किया होता है, तो इसीलिए जलौका लगाना, शिरावेद करना, ये हमारे चिकित्सा बताए। और एक और बात, वातरक्त का जो पेशेंट होता है तो हेतु तो बहुत दिनों से रहता है, लेकिन एक निमित्त कारण भी चरक संहिता में बोला है, आघात मतलब वहां पे पैरों में चोट लग जाना, ये एक निमित्त कारण होता है। अब अगर निमित्त कारण है, चोट लग जा रहा है किसी भी वजह से, पैरों की उंगलियों में कहीं पर भी चोट लगेगा ही चलते चलते, तो वो वहां पे रक्त संचित होने लगता है, वायु दूषित रहता है और स्थान संचय खवैगुण्यता की वजह से स्थान संचय होने लगता है। इसी तरह से ऐसा बोला है कि इसको खुड्डवात भी बोला है, जो लोग मोटे लोग रहते हैं, सुखी लोग रहते हैं, उनको ये ज्यादा होता है, इसीलिए केशर गोकुल चंद्रप्रभा वटी का प्रयोग जब देखा गया तो ये ना जो केशोर गोकुल चंद्रप्रभा ये वेट लॉस में भी ज्यादा फायदा करता है। और दूसरा बात है कि ये बोला गया है वातरक्त में कि जो सुकुमार लोग रहते हैं, जो मीठा चीज ज्यादा खाते हैं, गुरु पदार्थ ज्यादा करते हैं, और गुरु पदार्थ करके मीठा चीज खा के बैठे रहते हैं या सो जाते हैं दिन भर, उनको वातरक्त ज्यादा होता है, या मिठाइयां ज्यादा खा के दिन भर सो जाते हैं, इसीलिए गुड़ुची जो है वह जो मीठापन आ गया उसको यह तिक्त रस से पूरी तरह से पाचन करता है, आम का पाचन करता है, और वातरक्त का जो संप्राप्ति है उसके लिए गुड़ुची सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यह तिक्त रस हो के भी
वायु का प्रकोप नहीं करता, वायु को शांत करता है। गुरुचि इतना बढ़िया द्रव्य है, गुरुचि उत्तम रसायन है, ठीक तरह से धातु अग्नि का दीपन करता है, धातुओं का पोषण करता है, और गाउटी आर्थराइटिस में कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, तो वहां पे क्योंकि आवरण हो जाता है बहुत ज्यादा, स्रोतोरोध हो जाता है, तो यह क्या करता है कि अग्नि को बढ़ा के ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देता है गुडुचि। उसी तरह से हम लोग बोलते हैं कि गुडुचि अवृष्य है, वात प्रकोप है, लेकिन गुडुचि और पटोल मतलब परवल और गुडुचि ये दो द्रव्य ये एक्सेप्शन है कि कभी भी यह वायु का प्रकोप नहीं करते, और वृष्य बताए पटोल भी और गुडुचि भी शुक्र धातु को बढ़ाते हैं। उसी तरह से वात्रक के सारे द्रव्यों में गुडुचि का प्रयोग 60-70% करते ही है, और वृंद माधव नाम का ग्रंथ है उसमें लिखा है कि गुडुच्या स्वरसम कलकम चूर्णम वा क्वाथमेव वा प्रभुतम कालम आसव्यम मुच्यते वातरक्तम। मतलब गुडुचि का जो स्वरस है, कल्क है, चूर्ण है, क्वाथ है, ये कितना भी दिन तक देंगे तो वातरक नष्ट कर देता है, और गुडुचि को शिलाजीत का प्रयोग करने से भी वातरक पूरी तरह से ठीक हो जाता है। वातरक के साथ हम लोग कुटकी का प्रयोग करते हैं, यष्टि मधु, आरगवत, पटोल और शुंठी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं उनको ना, और बस्ती बस्ती का भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है, तिक्तक शीर बस्ती जो रहता है, क्योंकि न ही बस्ती समम किंचित वात रक्तम चिकित्सितम निरहृत्वा मलम तस्य, इसलिए वातरक में तिक्तक शीर बस्ती, तिक्तक शीर बस्ती में पटोल है, यष्टि मधु है, किरात तिक्त है और गुडुची है, इनका चार का प्रयोग करते हैं, और तिक्त और उसके साथ में सस्नेह थोड़ा सा घृत डाल के महातिक्तघृत या गुगुल तिक्तघृत ये डाल के और फिर बस्ती दिया जाता है, तिक्तक शीर बस्ती में बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से वातरक्त में वर्धमान पिप्पली रसायन का प्रयोग सुश्रुताचार्य जी ने स्पेशली बोला है, क्योंकि यह पिप्पली जो है ना, ऐसे बोला है पंचभी वृद्धप्या दशपी वृद्धप्या वा पिबेत चारोदम आहारोदय श्राद्धम भूयाश्च पकर्षयेत। पिप्पली जो है वो खासकर प्राणवा स्रोत के साथ रक्तवा स्रोत पे भी काम करती है, रक्त को शुद्ध करती है, और प्लीहाम है पिप्पली, प्लीहा जो है रक्तवा स्रोत का मूल स्थान बताया, यकृत और प्लीहा पे इसका कार्य होता है, रक्तवा स्रोत पे अच्छा काम करता है, इसीलिए पिप्पली रसायन वर्धमान पिप्पली रसायन का प्रयोग करने से फायदा होता है। चरकाचार्य जी ने तो बोला है कि पीपल जो रहता है बोधिसत्व वृक्ष, यहाँ पे बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोधि पीपल जो रहता है बड़ा बड़ा पेड़, उसका पंचांग का सेवन करें तो वह वातरक्त की संप्राप्ति को ठीक करता है, और पिप्पली जो है वर्धमान पिप्पली रसायन हम लोगों ने चरक संहिता में पढ़ा है, वह रक्त की शुद्धि करता है, इसलिए उसका भी प्रयोग बताया। वातरक्त रोगी में परिषेक, अवगाह, बस्ती, अभ्यंग ये सब में बला तेल या शीर बला तेल या सहस्त्रपा की शीर बला तेल या 101 आवर्ती वाला शीर बला तेल बहुत अच्छा रहता है, और जितना बार हम दूध से सिद्ध करते हैं ये शीर बला तेल को, बार बार हम दूध डालते हैं और पकाते हैं फिर ऐसे करते हैं तो वो मृदु होते जाता है और रक्त गामित्व उसका बढ़ जाता है, इसलिए 101 आवर्ती वाला या 1001 आवर्ती वाला शीर बला तेल का मात्रा बस्ती देने से फायदा हो जाता है। वातरक्त जो रहता है सुकुमार लोगों को ज्यादा होता है, तो पंचकर्म करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मल निर्हरण के लिए दशमूल क्वाथ के द्रव्य न देके शीर बस्ती का प्रयोग अगर करें तो ऐसा चरकाचार्य जी बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि शीर बस्ती जो रहती है वह पेशेंट को बल भी देती है, स्रोतोरोध को भी दूर करती है, और वो पायरुविक एसिड, यूरिक एसिड जो बढ़ा है, क्योंकि इसका गामित्व जो रहता है यकृत तक रहता है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म लीवर के थ्रू खराब हो रहा है, तो इसीलिए वहां पे पूरा लीवर तक, क्योंकि रक्तवा स्रोत का मूल स्थान यकृत है, पूरा वो सर्कुलेशन और डाइजेशन ये सब पे तिक्तक शीर बस्ती अच्छा काम करता है। दूसरा बोला है कि पुराण घृत, सर्वेशु तो पुराण घृतम आम्ल रसे विपक्वम, मतलब यहाँ पुराना से पुराना घी जो होता है, जो 5 साल पुराना, 10 साल पुराना, 100 साल पुराना, वो पुराण घृत और आमलकी का रस, आमलकी का स्वरस का प्रयोग अगर करते हैं बहुत ही बढ़िया रहता है वातरक्त में। अब आप लोग भी बताइए, मैं अभी हम क्लासिकल बातें तो बार बार करते हैं, मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, हम अब डिस्कस करेंगे, और आप लोग को ये पीडीएफ मैं दे दूंगा थोड़ी देर में। अंचन मैम आप वातरक्त के पेशेंट में क्या क्या नया नया दे रही हैं अभी बताइए। जी प्रणाम सर। और मैंने आज ही मतलब मेरा जो पेशेंट था ना सर, 12 दिन पहले मेरे पास आया था। एक्चुअली मैं कंफर्म नहीं थी कि वातरक्त है या आम वात या संधिवात, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए था क्योंकि पेन को हार्डली 3 महीने से तकलीफ होना स्टार्ट हुआ था।
एज करीब करीब, मैंने अभी वीडियो भी डाला है अपने ग्रुप में, वही पेशेंट है, तो वो करीब करीब 60+ थे। तो उनकी खाने पीने में जैसे कि इडली डोसा, साउथ इंडियन होने की वजह से इडली डोसा वगैरह जा रहा था रेगुलर, सुबह शाम का वही उनका खाना था। तो मैंने उसको ही पकड़ के बस इनको वात रखते वाली ट्रीटमेंट दी। उनकी की जो मिडल फिंगर थी ना सर, पूरा मतलब इरेक्ट पोजिशन में ही रह रही थी बिल्कुल, वो फोल्ड नहीं हो रही थी। तो वो इसी वजह से मेरे पास आए थे, और 3 महीना उन्होंने एलोपैथी खाया था मेडिसिन, और वो रिपोर्ट्स भी लेके आए थे सर। इनका यूरिक एसिड वगैरह कुछ भी बढ़ा हुआ नहीं था, एकदम नॉर्मल थी। इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में थी कि इसको कैसे लूँ, पर मैंने यहाँ पे वात रक्त का ही ट्रीटमेंट दिया, क्योंकि मुझे सबसे पहले खाने में मैंने जो हेतु देखा कि यहाँ पे जो भी हम मतलब जो साउथ इंडियन फूड है, जो सांबार खा रहे हैं, वो भी वायु को बढ़ाने वाला है, पित्त को बढ़ाने वाला है। जो इडली बैटर बन रहा है तो वो भी वायु और पित्त को बढ़ाने वाला है। ऐसे सोच के ही मैंने उनको वात रक्त के जैसे ट्रीट किया। तो इसमें मैंने उनको केशर गुगुल, गोक्षरादि गुगुल और गिलोय घनावटी, पीडांतक क्वाथ और सर्वकल्प क्वाथ ऐड किया था। और सर मैंने इनको हरित घी दिया था, जो कि 10 दिन रेगुलर खाना है, फिर हफ्ते में 2 बार करना है ऐसे करके, क्योंकि मैं यहाँ पे उनको विरेचन देना चाह रही थी। इसलिए थोड़ा सा माइल्ड विरेचन के हिसाब से मैंने मतलब वायु को अनुलोमित करें मेनली, तो इसलिए हरित घी ऐड किया था। तो सर मुझे नहीं लग रहा था कि 12 दिन में ही मेरे पास इतना अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। अभी पेशेंट एकदम उंगली उनकी करीब करीब 90% वो मतलब फोल्ड कर पा रहे हैं हाथ उंगली उनकी। और जैसे कि वो बोल रहे थे मुझे काफी अच्छा रिजल्ट है। तो बस उनको मैंने बोला कि अभी आपका ये जो फूड है ना, वो साउथ में आप भले ही खा लो, पर यहाँ पे आप मुंबई साइड में अगर खा रहे हो तो वो आपको सूट नहीं करेगा। तो थोड़ा सा आपको नॉर्मल फूड पे आना है, दाल चावल सब्जी रोटी वाले। तो उनको समझ में आया ये अभी कि थोड़ा सा फूड चेंज करना है। और ये भी उनमें मैंने देखा कि जैसे छोटी छोटी उंगलियों से उनको थोड़ा मतलब उन्होंने पहले बोला जैसे आमवत, और मैं इसको वातरक्त को डायग्नोज कर रही थी तो स्मॉल फिंगर से उनको स्टार्ट हुआ था। तो मैंने यहाँ पे वातरक्त ही सोचा कि आमवत बड़े संजीवों से होता है, संचारी वेदना बिल्कुल नहीं थी, और थोड़ा सा जलन का कंप्लेंट था, और अम्लपित्त की उनकी हिस्ट्री मुझे मिली थी, इसलिए मैंने इसको वातरक्त जैसे ट्रीट किया और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला सर। जी सर। जी, और किसी को कुछ बताना है? बात आदित्य सर, आप कुछ बताना चाहेंगे गाउटी अर्थराइटिस के बारे में? सर, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन का? जी सर, आदित्य सर अनम्यूट कर लीजिए। सर मैंने SH आयुर्वेद से ट्रीट नहीं किया है सर। मेरा एक आप डाउट था मॉडल टाइप कि, बताइए ना। जी अच्छा सर, इसमें डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स देते हैं, मतलब पहले स्टीरॉइड्स काम नहीं करता है, तो फिर दूसरे इम्यूनो सप्रेशन रहते हैं सर, माइक्रोफिनोलेट, मोफिटिल, या अभी और भी ड्रग्स के, मैंने लंबे समय से ट्रीट नहीं किया है, तो मेरे को एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। और ये लाइफ लॉन्ग ही रहती है, और जब बीमारी बढ़ती है तो बिल्कुल स्टिफ और फिक्स्ड ज्वाइंट्स हो जाते हैं और इस तरीके से, और पूरा जो मोबिलिटी है सब खराब हो जाती है, पेशेंट का जो डिसेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब सर एक मेरा डाउट था कि अभी जैसे मैम ने बोला कि जैसे साउथ इंडियन फूड है, फर्मेंटेड फूड है, तो अगर वो जैसे बॉम्बे या महाराष्ट्र में खाएंगे तो कैसे परेशानी आ सकती? हाँ कंचन मैम, आप बताइए, अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं पता नहीं। जी सर, साउथ साउथ में अगर हम चावल खा रहे हैं, मतलब चावल का इंटेक वहाँ पे ज्यादा हो रहा है ना, तो चावल जैसे कि वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, जो कि पानी में पकता है ना, तो उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होगा। तो ये अगर वहाँ पे खा रहे हैं, वहाँ की जो भूमि है, इसे हम एक जंगल जंगल देश की तरह समझते हैं, मतलब कि जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो, तो वहाँ गर्मी में अगर हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट वाला चीज अगर जा रहा है, मतलब जैसे चावल है या नारियल पानी भी वहाँ पे लोग ज्यादा पीते हैं, तो हमारे मतलब भगवान ने ऐसे हमारे देश बनाए कि वहाँ पे जो तकलीफें लोगों को होने वाली है उसका निवारण वो उनके फूड से ही करे। तो वहाँ पे वो अगर चीज खा रहे हैं तो उनको वो सूट हो जाती है। पर अभी मुंबई ऐसा एरिया है कि कोस्टल भी है, हम मतलब ऐसे बोलेंगे इसे कि अनूप देश भी है और ये साधारण देश भी है, तो यहाँ पे दोनों चीजें मिलती है कि एक हम सी के पास ज्यादा रह रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी मतलब जो मॉइस्चर है जो क्लाइमेट में वो ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है,
तो हम इसमें वाटर कंटेंट वाली अगर चीजें ज्यादा खाते हैं तो हमें परेशानी हो सकती है, मतलब कि सामान्य सामान्य वृद्धि हो जाती है ना बॉडी में, कि समान दोष बॉडी के जो है तो वो हमारे खाने की वजह से सेम टू सेम बढ़ जाते हैं। मतलब कि अगर बॉडी में पित्त का लेवल पहले ही ज्यादा है और उसमें हम हमारे पित्त वर्धक आहार खाएंगे तो वो तो बढ़ने वाला है ना, उस तरीके से यहाँ पे हमारे बॉडी में ये चावल जो है, तो ये चावल है या सांबार है तो यहाँ पे वो हजम नहीं होने वाला, क्योंकि ह्यूमिडिटी है पूरे क्लाइमेट में, तो सेम टू सेम चीज हो रही है ना, तो यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी इसलिए। एक और चीज है कि साउथ इंडिया में क्षारीय भूमि है, अल्कलाइन पूरा है, तो पेड़ पौधे खाना पीना सब क्षारता बहुत ज्यादा रहती है। उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वो लोग खट्टी चीजें ज्यादा खाते हैं, जैसे कि इमली है, इमली का सेवन देखिए साउथ इंडिया में बहुत होता है, विनेगर खाते हैं, फर्मेंटेड फूड आइटम खाते हैं, खट्टी चीजें ज्यादा खाते हैं। अब यहाँ की मुंबई की भूमि जो है वो कोस्टल एरिया है, लेकिन वो क्षारीय नहीं है, उतना हमें अम्ल रस खाने की जरूरत नहीं है बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ खाएंगे क्योंकि ये मध्य भारत है, यहाँ पे गर्मी ऑलरेडी है पूरा नागपुर और ये, तो यहाँ पे अगर हम अम्ल रस खाएंगे तो पित्त बढ़ता है और ज्यादा। तो सर साउथ इंडिया में क्योंकि गर्मी कम पड़ती है रिलेटिवली, और सारी भूमि मतलब सर समझ में नहीं आया, सारी मतलब भूमि अल्कलाइन पूरा है वो वहां पे। अब बेस और एसिड ऐसा सोचिए ना केमिस्ट्री का। चावल के विभाग से सर कुछ हो सकता है इसका रिलेशन? अभी वहां चावल में भी क्षारीयता बहुत ज्यादा है। नहीं आप केवल चावल का पूछ रहे हैं क्या? जी सर। अभी चावल को एक साइड रखिए, बाकी उनका जो आहार है, उनका जो आहार है वो खट्टा चीज ज्यादा रहता है उनके। जी दूसरा क्या है कि महाराष्ट्र में चावल उतना नहीं खाया जाता है जितना यूपी बिहार बंगाल, वो वहां पे ओक साथ में वो उस हिसाब से ऐसा खाना पीना बनाया गया है। महाराष्ट्र में बाजरी है, जवारी है और ये दालें हैं, इनका सेवन ज्यादा होता है। ऐसी भूमि है क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी है बहुत ज्यादा, उस हिसाब से जी यहाँ का जो टेम्परेचर है उस हिसाब से। अब मुंबई का खाना कुछ अलग है, नागपुर का अलग है, मराठवाड़ा का अलग है, मैं हर एरिया के हिसाब से खाना पीना बनाया गया है। चावल के बारे में खासकर ये बोला है कि नया धान्य नहीं खाना है, नया चावल नहीं खाना है, पुराना चावल खाना है। वो सर नया धान्य तो सर सब नुकसान ही करता है। हाँ क्योंकि उसमें पानी बहुत ज्यादा रहता है, इंडाइजेशन होने लगता सर। हाँ सर जी। अभी पंजाबी खाना जो है वो पंजाब के लिए ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा मसाले ये सब रहते हैं, पंजाब के लिए लोग वहां इतना मेहनत करते हैं, वो सब साथ में हो जाते हैं। अब पंजाबी खाना यहाँ महाराष्ट्र में करेंगे, यहाँ पे सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे रहने का काम है, यहाँ इतना खाएंगे तो उससे फिर बीमारी होता है बहुत ज्यादा। जी सर। प्रणाम सर। हाँ जी मैम। सर एक आपने जो हेतु में बोला था कि पैर लटका के मतलब उसको उसको कैसे मतलब अभी क्या है कि पहले के जमाने में आपने भी पढ़ा है कि पहले के जमाने में ट्रेन नहीं होता था, प्लेन नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे कि हाथी से ऊंट से घोड़ों से ट्रैवल करते थे, और जब वो ट्रैवल करते थे दूर दूर जगह जाने के लिए तो सत्तू लेके जाते थे, मतलब या तो जौ का या चने का सत्तू ले जाते थे और सरसों का तेल, तेल और नमक मिर्ची मसाला गरम मसाले, तो एक ये हो गया रक्त को, और दूसरा संक्रमण कर रहे, और तीसरा पैर लटका के रखेंगे तो पूरा ब्लड है वो तो नीचे ग्रेविटी से नीचे ही जमा होगा ना। हाँ तो वैसे ही बाइक पे जाना, खाना खाए उसको पचने के लिए टाइम नहीं दिया और तुरंत बाइक पे जा रहे, खाना खा के तुरंत ही बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग जो बोलते हैं वाम कुक्षी थोड़ा लेटना चाहिए क्योंकि सारा अग्नि है दोष है सब कोष्ठ में रहता है खाना खाने के बाद, हम लोग तुरंत काम करने लग जाएंगे पैर लटका के तो शाखागत होगा, अग्नि की दुष्टि हो जाएगी, फिर आम उत्पन्न होगा, आम उत्पन्न यकृत का कार्य बिगड़ेगा और उसके वजह से फिर ये वातरक्त की संप्राप्ति मिलती है। प्रणाम सर। सर आपके हिसाब से खाने के बाद आधे घंटे बाई करवट से लेटना चाहिए ना, अग्नि अच्छी लेटना चाहिए तभी कुछ काम करना चाहिए, और सोना नहीं चाहिए, लेटना चाहिए। सर अगर मान लीजिए कोई पर्सन थका हुआ, जैसे आजकल स्टूडेंट्स जैसे स्कूल से आते हैं
तो वो बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं, मेंटली भी एग्जॉस्टेड होते हैं, तो ज्यादातर तो क्या करने लगे, इस वजह से खाने के बाद वो 2 घंटे सो जाते हैं। तो अगर हम उनसे कहें सोए नहीं, आप लेट जाओ, तो क्या अगर पेट की नींद भी आ प्रॉब्लम रही है, होगी? नींद भी आ रही है, स्नैप लेने से अच्छा लग रहा है तो ठीक है। अगर वो माइंड का बहुत ज्यादा काम हो रहा है, यदा तु मनसि क्लान्ते तदा सुपति मानव, मन बहुत थक जाता है तभी नींद आती है। तो अगर माइंड का ओवर काम हो रहा है तो वहां रेस्ट ठीक है ना। तो सर एक्चुअली में क्या कि ज्यादा लोग पित्त प्रवोह की बात आती, तो उनको हम कितनी देर के लिए रेस्ट के लिए बोला करें, मतलब कि अगर है तो अब ये पित्त रेस्ट को प्रवोह सब्जेक्टिव पैरामीटर, बहुत देर तक नहीं सोना है, हम टाइम नहीं बोल सकते कि हर पुरुषम पुरुषम विक्षम भाव, हर जी। पेशेंट को कितना रेस्ट चाहिए वो डिपेंड करे। लेकिन रात को जल्दी सोए और सुबह जल्दी उठे तो सर ऐसा अगर ना सोचे। वो, हाँ सर अगर वो लेट, मैं उनसे कहूं कि आप आधे घंटे तक सो लो, लेकिन अगर आपको ज्यादा करना है तो आप लेट हो सो नहीं, तो और कि अगर रात लेट को की जल्दी सोए सुबह जल्दी उठे, अगर वो दिन भर सो जाते हैं रात को नींद नहीं आती, फिर रात्रि जागरण होता है तो जी फिर वो जी वायु का प्रकोप करता है। नहीं सर, मुझे पूछना था कि केवल लेटने से पित्त प्रकोप तो नहीं होगा कि, क्योंकि सोने से तो लेटने आपने से तभी पता पित्त प्रकोप नहीं होगा। और अगर दिमाग बहुत ज्यादा थक गया है, अगर वो जी बच्चों के आजकल जी कितना स्ट्रेस है बच्चों को पढ़ाई सर, पे, ये तो सर, ये सर जी थोड़ा लेटना तो ठीक है, सोना भी ठीक है। ओके थैंक यू हेलो सर। सर, हाँ जी बोलिए मैम। सर मेरा जो पेशेंट चल रहा है सर अभी, तो उसको संचरी वेदना, ये तो टिपिकल साइन है सर उसका, तो ये तो ये आमवत अमवत, और पात्रक दोनों हाँ होगा तो अमवत है सर। लेकिन ना अभी वो क्या बताते हैं, रात को जो हाथों की उंगली और पैर की जो अंगूठा है उसमें भी पेन होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन उस क्या अर्चना मैम का आवाज चला गया? किसी को सुनाई दे रहा है अर्चना मैम का आवाज? नो सर, नो नेटवर्क का प्रॉब्लम है अर्चना सर, रेडनेस ऐसा कुछ है मैम, सर। आप नासिक में है ना, हाँ सर, हाँ सर, तो वहां टावर का कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप फिर से बोलिए मैम, फिर से बोलिए। अभी आ रही है सर आवाज हाँ अभी आ रही है। सर। उस पेशेंट में आमवत के भी सिम्टम है, लेकिन मुझे वातरक्त के भी लग रहे हैं, क्योंकि उसको जो स्मॉल जॉइंट्स है ना उसमें भी पेन है सर, हाथ के अंगूठे और पैर का भी अंगूठा, उसमें भी पेन होता है, डेली होता है सर, और रात को होता है थोड़ा ज्यादा। स्टिफनेस भी जी होता है इसमें, हाथों में पैरों में, तो तो आमवत भी। आप इसमें क्या क्या दवाइयां दे सकती हैं, जैसे कि आप कैशोर गूगल लीजिए, वो दोनों में सर दवा और वो मेरे पास आने से पहले एक डॉक्टर के पास, उन्होंने 4 महीने ट्रीटमेंट लिया, तो उन्होंने वो मुझे एक बोला कि महातिक्त वृक्ष से उनका पेन बढ़ा था, तो मैंने आमवत ही मतलब उनका डायग्नोसिस किया, क्योंकि संचरी वेदना भी है, तो मैंने उनको दीपन पाचन की औषधि दी और कैस्टर ऑयल दिया था शुंठी युक्त, तो 5 दिनों के लिए, तो वो बोले कि पेन मतलब ठीक है, बढ़ा नहीं पेन, अच्छा रहा। तो अमृता गुगुर, त्रिफला गुगुर, पूर्णिमा गुगुर और ये शुंठी युक्त तो कैस्टर ऑयल दिया था सर मैंने उनको, और बाद में अभी बस स्टार्ट किया तो भी पेन बढ़ा नहीं सर। मैंने उनको बीजगर्भ तेल से तो स्नेहन भी कर आप रही हूँ। भारत की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सिका है ना, आपने इतना अच्छा से किया कि आपने दीपन पाचन अनुलोमन किया, वहां गए थे वो डायरेक्ट उन्होंने उल्टा पुल्टा कर और दिया। सर उन्होंने उनको बोला कि वो बोल रहे थे मुझे बस्ती करना है या पंचकर्म कीजिए, तो वो बोले कि अभी उनका टाइम नहीं आया, आपका टाइम नहीं आया, ऐसे करते करते 4 महीने टैबलेट दिया सर, और वो बोले कि टैबलेट की वजह से बाद में पेन इतना बढ़ा, तो मैंने बोला कि क्या क्या दिया, तो वो बोले महातिक्त वृत्त दिया था, ये वो दिया था, तो तो बाकी आम की तो अवस्था में अगर हाँ महातिक्त सर। है तो सर और मैंने अभी तक इतने पेशेंट देखे हैं सर, तो मुझे ऐसा लगा कि सब डिसीज में आम तो रहता ही है सर, तो पहले हाँ आम का ही अब करके बाद में बात रखते हैं या बाकी कुछ ही देखना चाहिए सर। हाँ तो मैंने बराबर उनका आमवत का ट्रीटमेंट किया, अभी बस से स्टार्ट किया सर, तो पेन मतलब अच्छा है उनका, कम है, लेकिन मुझे अभी दोनों भी है सर मेरा मिक्स है उसमें, तो ऐसा ठीक है वातरक्त ना, ठीक है ना, आप बस कटु रस का ज्यादा मत दीजिए दवाई, जैसे कि ओके पंचकोल मत दीजिए, त्रिकटु बिल्कुल ठीक, मत पंचकोली दीजिए, मत तिक्त रस सर, वाले आम दीजिए, पाचकवटी चलेगा ना सर, आम पाचकवटी आम पाचकुटी चलेगा, पित्रक दिया सर मैंने, वो आम पाचकवटी आदि वटी मत दीजिएगा, आप उनको और बढ़ जाएगा। ओके सर। और सर मैंने ये चिंता लवण ये भी नहीं दिया, मतलब वैतरणबस्ती भी नहीं दिया, क्योंकि सिम्टम बहुत ज्यादा भी नहीं थे उनके, जैसे मैंने पहले पेशेंट किए बहुत ज्यादा स्पर्शस्वत्व तो होता है मतलब तो सीवियर आपने सर। अलग क्या दिया वो आप बताइए सभी को, आपने वो वैद्य से अलग क्या दिया कि पेशेंट को फायदा? अभी उन्होंने टैबलेट क्या दिया पता नहीं, लेकिन मेरा क्या होता है मैं पहले शोधन ही करती हूँ, क्योंकि मुझे आम के सिम्टम लगे और मुझे शोधन पे ज्यादा मतलब भरोसा है सर, तो मैंने उनको शोधन दिया, तो उनको मतलब 4 3 4 दिनों में भी उनको अच्छा लगा, ज्यादा अच्छा लगा। सिर्फ मुझे डाउट थोड़ा था कि आम बड़ा हुआ होगा तो पेन बढ़ जाएंगे स्नेहन से, तो मैंने स्नेहन के लिए बीजगर्भ तेल ऐड किया, तो बीजगर्भ तेल से पेन उनका पूरा सबसाइड हो गया सर। अभी थोड़ा थोड़ा वो ज्वाइंट में बोल रहे मुझे कि अंगूठे में पेन है थोड़ा सा, वो भी रात को ही होता है थोड़ा सा, और थोड़ा सुबह स्टिफनेस होता है ये बोल रहे हैं वो मुझे। जी प्रणाम सर, प्रणाम मैम।
मैम शोधन में क्या दिया, महाविष गर्भ ओनली उसी से शोधन हो गया, सेम किया उसका सेम रोज डेली? नहीं मैम ओनली इंटरनल इंटेक के लिए आपने दिया क्या इसने मैम? नहीं नहीं बस्ती कर रही हूँ ना मैं उनकी। हाँ बस्ती है, वही मैंने कहा कि वो बस्ती। मैम कितनी अमाउंट देती थी आप? क्या कौन सानुआसन मात्रा बस्ती? हाँ दोनों में बता दीजिए कितनी। अभी सर वो तो मुझे आम का भी लग रहा था तो मैंने क्वांटिटी कम ही रखा पहले दूसरे दिन, और बाद में बढ़ा दिया सर 700-800 तक। मैं नीरो लेके जाती हूँ, पूरा 1000 तक लेके जाती हूँ। अगर पेन नहीं बढ़ा तो मतलब कंटिन्यू करना है, अगर लगा कुछ पेन का तो कम कर देना है। अनुवासन आपने कितने से स्टार्ट किया था विषकर्म? कौन सा अनुवासन में विषकर्म कितना दिया था मैडम? अनुवासन में मैंने विषकर्म मात्रावस्थी में मैंने सिर्फ 20 दिया था विषकर्म, और चिंचलवन ऐड किया था थोड़ा, और थोड़ा तिल तिल भी ऐड किया था उनको। तो पेन नहीं बढ़ा तो मैंने ये कंटिन्यू रखा, और काढ़े के लिए मैंने दशमूर दिया, त्रिफला दिया, और ये दिया रासना दिया था उसमें, मतलब काढ़ा बना के। बाद में गोमूत्र का भी सोचा था लेकिन हीट बहुत ज्यादा है तो गोमूत्र मैंने स्किप कर दिया, तो गोमूत्र भी देती हूँ मैं अम्मत के पेशेंट में, लेकिन बहुत ज्यादा हीट है। तो तेल आपने बाद में बढ़ाया था क्या जो 20 नहीं, नहीं बढ़ाया क्योंकि पेन नहीं है ज्यादा ना, पेन की सीवियरिटी इतनी नहीं है, तो पेन मैंने उतना ही रखा 20। चिंचलवन तेल भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी अच्छा रिजल्ट है इसमें। वो मैडम आपने कितना ऐड करा था इसमें? वो भी 20 किया। टोटल 60 ml आप दे रही थी, कितनी दे रही थी अनुवासन? 40 ml तिल तिल दिया, 20-20 ml ये दोनों दिए। ओके ठीक है, थैंक यू मैम। सर आप पेशेंट के हिसाब से चलना पड़ता है, हमें कुछ भी आए ज्यादा भी आए, पेशेंट को डेली देखना है मतलब ये काल दी थी या योग दिया था? काल बस्ती दी थी, योग बस्ती दी थी? सर योग बस्ती दे रही हूँ अभी तो, फोर्थ डे है आज। आज काढ़े के बस्ती अभी दिया, अभी अभी घर पे आई मैं। हाँ मैम मेन क्या है ना, काढ़ा ही अच्छा वर्क करेगा, पेन तो ठीक है थोड़ा धीरे धीरे सबसाइड करेगा। काढ़े की बस्ती में थोड़ा थोड़ा ना ये गौमूत्र भी डालेंगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ मैं देती हूँ हमेशा, मैं पूरा 100-200 तक दिया था मैंने पहले। सेंधा थोड़ा गौमूत्र और थोड़ा सा ना उसी में थोड़ा ऑयल भी डालेंगे। ओके मैम। सेटर वगैरह हो गया मैम तो वो ज्यादा अच्छा काम करेगा, और पेशेंट को ऐसे रुक्षता भी नहीं आएगी और पेन भी उसमें उसी में ही पेन भी सबसाइड होने लगेगा। यस मैम यस सर, मैंने आपके जो ये देखे ना अमवाद के पूरा सीरीज देखा सर आज मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो आप मतलब आम जब निकल जाएगा तब तो हम मतलब धातु क्षयात्मक भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं कैसे? बराबर मतलब, देना ही चाहिए, देना ही चाहिए। तो सर मैं क्या दे सकते हैं हम, रसायन चिकित्सा या धातु रसायन में आप अश्वगंधा लेहम दीजिए, फिर विदार्यादि लेहम, कुष्मांड रसायनम, फिर सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसन, और फिर बंग भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म, मतलब जो ब्रिहण करने वाली चीजें हैं। अजामास रसायन, अजामास रसायन कितना बढ़िया काम करता है। मांसाहार नहीं लेते सर। तो अच्छा, तो नारसिंह रसायन कितना बढ़िया काम करता है। ओके सर, क्योंकि पेशेंट बहुत क्रूश है सर, और क्या पहले आम तो है लेकिन हम तो आम भी निकाल देंगे बाद में, तो धातु क्षयात्मक संप्राप्ति भी ठीक करना है, तो ब्रिहण कर्म करना है सर हमें ना सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अश्वगंधा ले हम दीजिए ना, बहुत बढ़िया काम करता है। हाँ सर मैं कंटिन्यू रखूंगी अभी सर उनको, एक साल दो साल अग्नि को ध्यान में रखते हुए, तो वो पूरा धातु क्षयात्मक संप्राप्ति ठीक हो जाएगा। यस सर, यस सर, थैंक यू। सर जैसा आपने अभी फोटो अभी आ रहा है ना, जैसे टर्मिनल स्टेज का आ रहा है जैसे, हाँ सर इसमें भी सर कुछ किया जा सकता है क्या? जब 100% ये ठीक हो जाता है सर, हम जब तिक्तक शीर बस्ती देते है ना सर, तो ये जितना भी है ना ये पूरा ठीक हो जाता है। मैंने किया है तिक्तक शीर बस्ती हमारा जो है। और सर मुझे एक चीज पूछनी थी, आपने वो जो लेक्चर लिया था मोटापे पे स्थूलता पे, तो आपने बताया था भैंस का घी से हम लोग कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ता है, तो मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे गाय का घी है तो आजकल एक नया कल्चर चला है, जैसे कि पुराने टाइम पे तो दही को हम बिलौते थे तो मक्खन निकालते, फिर मक्खन को गर्म करके हम लोग घी निकालते थे। आजकल क्या हो रहा है कि मलाई से ही बना रहे हैं जल्दीबाजी में, या जो भी जिसको जैसा भी मिले, तो मलाई से बनता है। तो अगर हमने गाय का दूध की मलाई से बनाया है घी, तो उसमें किस तरह के गुण रहते हैं? क्या वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, या फिर वो कितना उसके मुकाबले कैसा होता है, ओरिजिनल जो घी होता था बिलौने वाला उससे कैसे रहता है सर? कंपेरिजन पूछना था। क्या ये अच्छा है? शशि मैम बहुत बढ़िया गाइड कर सकती है। गुड इवनिंग सर, अगर संस्कार के हिसाब से लेंगे
तो ऑब्वियसली बात है भारी हो जाएगा, क्योंकि आप देखो दूध को पहले उबालते थे और उबालने के बाद में दही जमाते थे, दही जमाने के बाद में उसमें मंथन होता था, तो जब मंथन क्रिया होती थी उसके बाद फिर मक्खन निकलता था और फिर उस मक्खन को गर्म करके फिर घृत निकलता था, तो उसमें संस्कार भी ज्यादा होते थे और उसका जो लघु गुण है एक्चुअली घी को अगर सही से सोचे तो घी भी एक तरह का योगवाही होता है और बोलते ना कि आयुर्वेद में सूक्ष्म स्रोतसों में पहुंचने की जो क्षमता होती है जी। तो सूक्ष्म स्रोतस में जो पहुंचने की क्षमता रहेगी वो प्रॉपर तरीके से जिस मेथड से घी निकलता था उसमें होगा, मलाई वाला घी होगा सही होगा, मतलब जो मार्केट के घी से तो बेटर है बट ये उसके मुकाबले सर थोड़ा सा गुरु होगा, तो अगर इसको पेशेंट को दे रहे हो तो कोई दीपन पाचन द्रव्य साथ में ऐड करके देंगे तो बेटर आएगा मेरे हिसाब से, तो ये है नॉर्मली। और सर एक चीज और प्रॉब्लम है, जैसे गाय में जो देसी गाय होती है उसकी जिस घी की तारीफ हम लोग आयुर्वेद में समझते हैं या सुनते हैं कि मेरे और बहुत सारे गुण हैं घी के, वो सारे शुद्ध देसी गाय के हैं, जो जर्सी है या और जो अलग तरह की वो चीजें हैं उनके नहीं है प्रॉपर्टीज। मैम ये दिया जा सकता है आपके हिसाब से मलाई वाला, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है क्या जैसे कि जो मलाई वाला है? अब ऐसा रिसर्च तो अभी देखो सर वो करके देखना पड़ेगा, आप पेशेंट को वही तो मैंने आपको बोला कि कोलेस्ट्रॉल का सिंपल सा क्या मतलब है, अग्नि जब मंद रहती है क्योंकि पहले लोग बोलते थे ना कि एनिमल प्रोडक्ट, तो आप कई बार देखेंगे जो लोग खाते हैं अच्छे खासे उनको भी कुछ नहीं होता है, तो मेनली ये सही से सोचोगे तो अग्निमंद वाला हिसाब किताब है, तो मैंने बोला तो कि आप दीपन पाचन द्रव्य ऐड कर लीजिए या हल्का सा उसमें सेंडो सॉल्ट डाल करके, और कभी भी घी लेना है मतलब जिस टाइम भी खा रहे हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऐसे मत करो कि घी उठाया डब्बे से डाल लिया अपने खाने में, आप उस घी को गर्म करिए। और अगर आपको याद होगा या पूछिएगा अपने पेरेंट्स वगैरह से या उनके पहले जब लोग खाते थे खाना तो कटोरी में प्रॉपर घी गर्म करके दिया जाता था, ऐसा नहीं होता था कि डब्बे से निकाला जीरा वगैरह भी डालता था। हाँ तो घी को जब गर्म कर देंगे उसमें चाहे पंचफोड़ डाल दीजिए चाहे त्रिकटू डाल लीजिए चाहे जो भी मतलब अलग अलग डेज में कुछ कुछ डाल करके आप कर सकते हो, तो थोड़ा सा ही डालेंगे, चाहे मान लो कि एक चम्मच अगर पेशेंट को घी दे रहे हैं उसमें चुटकी भर ही त्रिकटू हमने डाला चुटकी भर पंचकोल डाला तो भी वो दीपन पाचन का कार्य करेगा और उसकी वजह से लोड नहीं पड़ेगा। होता है क्या है कि मरीज आपका घी खा रहा है साथ में कुछ जो कचड़ा खा रहा है उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो मरीजों के बजाय अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आप 3 मंथ लगातार खा लो और अभी का एक ब्लड टेस्ट करा लो और आफ्टर 3 मंथ का एक लिपिड प्रोफाइल करा लो, एकदम क्लियर कट आइडिया लग जाएगा। हमें पित्त शमन करेगा कि अब मलाई वाला? ऑब्वियस सी बात है सर घी है तो शमन करेगा, एक्चुअली में घी का जो लघु गुण है ना, जैसे आप देखो ब्रेन की जो भी वाला तो करता है ओरिजिनल जो बिलोने वाला होता है वो तो करता है, लेकिन ये मलाई वाला पित्त शमन नहीं सर ये भी करेगा पित्त शामक करेगा। आप लिंगवास्टक वगैरह को देखिए घी के साथ देकर देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आता है, घर का घी अगर हो तो आपको खाने में स्मेल में ही पता चल जाएगा, और घी की प्रॉपर्टीज अष्टांग संग्रह में पढ़िएगा इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज है कि उसको देखकर तो लगता है कि घी जरूर खाएं, पर वही है कि शुद्ध देसी गाय का घी है तो उसको दाढ़ी मास्टक का प्रयोग करें, वो तो है वो तो दाढ़ी मास्टक आप दे सकते हैं। और सर मैं मुझे एक बात और बताती हूँ कि मलाई को कुछ लोग ऐसे भी निकालते हैं, मलाई को क्या करते हैं मिक्सी में पूरा चर्निंग करते हैं, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं ना मलाई को डायरेक्ट आंच पर रखते हैं और कुछ लोग मलाई को भी अच्छे से चर्न करते हैं मतलब बिलौते हैं और फिर अच्छा, उसके बाद मक्खन निकाल करके भी बनाते हैं, तो कई सारे वो ज्यादा बेटर है। हाँ, वो ज्यादा अच्छा, इसमें जैसे मैं भी निकालती हूँ ना तो मलाई में थोड़ा दही डाल देती हूँ, दही डाल करके उसको मिक्स करके और फिर उसमें से बटर को ऊपर जब आता है पानी डाल के तब उसको लेते हैं, ये सूक्ष्मीकरण हो जाता है उससे क्या है कि ये लाइट हो जाता है और सुपाच्य हो जाता है। आप जैसे देखेंगे पानी आप घड़े में रख के पी रहे हैं तो वो हैवी रहता है और ऊपर स्रोत से जो तो झरने से आता पानी ना तो अति सूक्ष्म हो जाते हैं कण, तो वो सॉफ्ट रहते हैं बहुत क्रीमी लगता है जैसे लगता है कि क्रीम हो, वैसे ही है इसका भी, जैसे हम दवा को भी मर्दन करते हैं तो उसमें अति सूक्ष्मीकरण हो जाता है तो वो सुपाच्य हो जाता है जल्दी पचता है, वैसे घृत का भी है। और सर पहली बात है कि आप आयुर्वेद के डॉक्टर हैं तो ऐसा मत समझिए कि घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, नहीं मैं एक्चुअली में घी के उसमें जो हम लोग के बुक में लिखे हुए हैं वो तो सारे बिलोने वाले लिखे हुए हैं, ये मलाई वाला दीपन पाचन अनुमान अच्छा करिए, गाय को देखिए आपको घी 100% सही नहीं मिलेगा क्योंकि गाय भी वैसी घास चरने वाली होनी चाहिए, तो वो देसी गाय का घी, ये सारी चीजें हमारे शास्त्र में है तो वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, समय के अनुसार आप उसको अपना मैनेजमेंट चलाते हुए और उसको देख करके दे सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल ऐसा बढ़ता नहीं है, मैं तो कोलेस्ट्रॉल वालों को भी स्नेहन घी से देती हूँ युवा चाती वगैरह तो नहीं बढ़ा है आज तक, तो किसी का नहीं बढ़ा है जी। थैंक यू मैम, प्रणाम मैम।
प्रणाम जी, बहुत सही होता है, थैंक यू जी। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। और सर ये बात रखते हैं ना, इसमें हम सिर्फ महातिक्तगुरु मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में देना है और उसके बाद विरेचन, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है सर, पेशेंट को पूरा पेन सबसाइड हो जाता है सर इससे। कितना मैक्सिमम कितना डोज? सर मैं विरेचन ही देती हूँ पेशेंट को, चार चार पांच पांच महीने में, तो मतलब डेली 30, 60, 90, 120, 180 इतने तक देके फिर विरेचन देना है। विरेचन ज्यादा स्ट्रांग नहीं देना है, उसके बाद फिर रोक के फिर बाद में महातिक्तगुरु स्टार्ट करना है कुछ 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद। तो सर पूरा मतलब एसिड ये हो जाता है उसका, पित्त शमन हो जाता है, तो रक्तदुष्ट भी अपने आप कंट्रोल में आ जाती है, तो पूरा पेन चला जाता है सर। एक मेरा पूरा पेशेंट का चला गया पेन, उसके इतना उच्छिक वेदना थे सर उसमें, इसमें अपना उंगलियों में हाथ के, तो अभी बिल्कुल नहीं। मैम ये 10-15 साल से ये स्टेरॉइड भी तो खा के आते ना अपने पास, क्रॉनिक पेन था सर उसका। हाँ, ऐसे तो सर उसको माइग्रेन भी था, एसिडिटी भी, इतना प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होता था उसका, मतलब उसको बाहर का खाना बहुत ज्यादा था, एसी में रहना और वो वर्क में बिल्कुल काम नहीं है, ऐसे मतलब बैठे काम, ऐसे कंपनियों का मालिक था वो, तो मतलब बहुत अच्छे से रहना, अच्छे से सोना, खाना पीना, ऐसा था उसका लाइफ स्टाइल। तो उसने हेतु भी बंद नहीं कर रहा था वो, एसी भी कंटिन्यू उसका, गाड़ी में भी, घर में भी, और ये बहुत सारे हेतु थे उसके। लेकिन मैंने महातिक्त का ही मतलब उसको ज्यादा मात्रा में दिया, पूरा साल भर मेरा चल रहा था, लेकिन अभी तो उसको इतने 10 साल हो, मतलब 8-10 साल हुए होंगे, लेकिन पेन नहीं है सर बिल्कुल उसका, पूरा चला गया। शमन तो मैंने किया है। मैं आप 3 महीने बाद रिपीट करती थी विरेचन? विरेचन 3-4 महीने बाद, लेकिन मैं विरेचन जो देती थी ना तो ज्यादा स्ट्रांग नहीं देती थी, क्योंकि वो लाइट ही देती थी, लेकिन मुझे मेरा ये महातिक्त ग्रुथ का ज्यादा ये था, महातिक्त ग्रुथ ज्यादा चाहिए, बॉडी में जाना चाहिए, इसलिए दीपन पाचन करके देती थी, भूख अच्छी से लगे वो तब देती थी। थैंक यू मैम। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? मैम ये मेरे को समझ नहीं आया, प्रणाम। आप कह रहे हो मतलब महातिक तो कंटिन्यूअस चला आपका 1.5-2 साल, क्या बोल रहे हो? गैप रखना है बीच बीच में, 4 महीने के बाद गैप रखना है, फिर 4 महीने के बाद, तो कितना 2-3 बार तो होता है विरेचन? 2 बार ही होता है, 2 या 3 बार? नहीं नहीं मतलब घृत कंटिन्यूअस चला है, विरेचन 2-3 महीने बाद देना है। हाँ नहीं नहीं ग्रुथ भी ग्रुथ क्यों देना है फिर, विरेचन देना है मतलब हम जय विरेचन के हिसाब से देना है ना, विरेचन के लिए हम क्या करते हैं, जितना ही देते ग्रुथ पंद उतना ही करना है, फिर विरेचन देना है, फिर गैप रखना है, फिर ग्रुथ पंद स्टार्ट करना है। ओके, मतलब विरेचन के पर्पस से स्नेह, विरेचन के पर्पस से देना है, ऐसे नहीं देना है। हाँ, विरेचन के पर्पस से देना है। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर 8:15 पे मिलेंगे। ठीक है, सभी लोगों का थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं। और आप सबके सब, हाँ बोलिए मैम। एक सर उत्तान और गंभीर वात रक्त का, उसका भी थोड़ा हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, आप याद दिलाएगा तो हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू, प्रणाम प्रणाम सर।